राम केर यादव ब्लॉक अध्यक्ष घोसीमऊ। आज घोसी डीआरटी में आप लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोगों की प्रदेश स्तर से मांग है 21 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले पुरानी पेंशन है 17140 है, इस तरह की रसोइयों का मानदेय बहुत कुछ सारी मतलब है, कई सूत्री मांगे हैं। क्या क्या मुख्य मुख्य प्रथम पे जो है पुरानी पेंशन बहाली है, हर विद्यालयों पे पेयजल की व्यवस्था हो, चौकीदार हों, प्रत्येक विद्यालय पे प्रधानाध्यापक हों, और जो 17140 18140 की मांगे हैं रसोइयों का है, सबको मतलब अस्थायीकरण का है, इस तरह का जो मांगे हैं आपकी जी। क्या कोई ज्ञापन भी होगा? हाँ, हम लोग ज्ञापन शासन को ज्ञापन ले रजिस्ट्री करेंगे शासन स्तर पर। हाँ, दिनेश कुमार। आज आप लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हाँ, तो क्या मांगे हैं आप लोग? इसमें प्रदेश स्तर से जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है उस के तहत 21 सूत्री मांग सरकार से है, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, और इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा है, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को देना है, और रसोइयों का मानदेय बहुत कम सरकार दे रही है, उसको न्यूनतम 10,000 करने की बात कही गई है, शिक्षा मित्र और विशेष शिक्षक और अनुदेशक कस्तूरबा विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनको अस्थायी करने की बात कही गई है, और विद्यालयों में जो पेयजल व्यवस्था है या विद्यालय में एक चपरासी की भी व्यवस्था के लिए इस सूत्री मांग में रखा गया है। किस सूत्री मांग में इसके द्वारा हम लोगों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों से स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा हमें ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री को। क्या